प्रोसेस है चलाने का, जरा इसके बारे में कुछ बताए। मान लीजिए कोई नया आदमी है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो कैसे मशीन चलाना सीखेगा? पहले ये आप हीटर ऑन करेंगे, चारों ये हीटर है सर। अच्छा जी, ठीक है सर जी। फिर उसके बाद ये ब्लोवर ऑन करेंगे पंखा, फिर उसके बाद आप मोटर चलाएंगे। अच्छा जी, ये लो, इससे आपके पीस निकल कर ऑटोमेटिक बाहर आएंगे निकल कर। मतलब इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर मैन पावर की कोई जरूरत नहीं? नहीं जरूरत, अपने आप चलती रहेगी। सर इसका जो पोजीशन होगा आपका, एक घंटे में आपके निकालेगी 3000 पीस सर। अच्छा, एक घंटे में 3000 पीस निकालेगी? बहुत, ये दोनों ढाई से एक घंटे में 3000 पीस निकलेगा कि एक ढाई से? एक दो ढाई से निकलेगी सर। दो ढाई से निकलेगी सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इस पर आप 14 इंची चला लो, 12 इंची चला लो, 18 इंची चला लो, 3 इंची चला लो। अरे वाह, कोई भी चला सकते हो। अभी सर 18 इंची कैसे चलेगा इसमें? इसमें तो मैं देख रहा हूँ दो ढाई लगा देता, अब इसके बाद कैसे बढ़ेगा इसमें? बीच में बड़ी डाई लगती है सर। अच्छा, ऐसा भी जोड़ है? ये बीच में तो बड़ी डाई लगती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं साथियों। बिजनेस शुरू करता हो तो उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, सबसे पहले मुझे बताइए। ये पेपर आता हमारा सर, ये 40 से 50 रुपए किलो, 40 से 50 रुपए किलो पेपर आता है जी। ठीक है, मान लो 12 इंची की प्लेट बना रहे हैं जी, तो हमारी निकलती है 120 पीस। अच्छा, 120 पीस निकलती जी है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 1 रुपए की एक प्लेट जाती है। अच्छा जी, 50 रुपए का पेपर ले रहे हैं तो हमारी 120 प्लेट निकल गई जी, तो उसमें क्या हमारे 70 रुपए बच गए जी सर। अभी 70 रुपए में सर आपका बिजली का भी अलग से पैसा आता होगा, बिजली, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ये कितना खर्चा आता होगा लगभग? सर इसमें क्या, हमारी जो एक घंटे में मुश्किल से आधा यूनिट, एक यूनिट बत्ती खाती है मशीन। अच्छा, ये घर की लाइट पे चलती है सर? ये घर की लाइट से जी सर। मतलब मैं इसको इस तरह के समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं 1 kg में 120 पीस बनता है जी सर, 12 इंच की थाली है, ठीक है जी, जी। और आपका कहना है 50 रुपए kg को मिलता है जी सर, तो 70 रुपए आपने बताया कि बच गया जी। ठीक है, 70 रुपए मैं ये मान लेता हूँ कि 20 रुपए आपका लेबर खर्च, बिजली खर्च जी, जी, ट्रांसपोर्टेशन खर्च जी, ये निकाल जाएगा तो फिर भी 50 रुपए per kg आराम से बच जाता है। आराम, बिजनेस ऐसा जो कमा के दे पैसा। आज आपको एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा रोजगार दिखाने वाला हूँ जो घर बैठे शुरू कर सकते हैं और सबसे ज्यादा डिमांड है। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट है, कितना प्रॉफिट है, कहाँ मार्जिन, कितनी मार्जिन है, कैसे आप शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस, कहाँ से मशीन ले सकते हैं और कौन कौन सी मशीन लगाया जा सकता है इस बिजनेस को शुरू करने के लिए। आइए देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरे साथ एक छोटा सा परिचय दीजिए कि आपके कंपनी का क्या नाम है, ये कंपनी कहाँ पर गाजियाबाद में है? ये हमारी कंपनी है सर, AS मैन्युफैक्चर। अच्छा, AS मैन्युफैक्चर। हाँ जी। अच्छा जी, ये गाजियाबाद में है। गाजियाबाद में कहाँ पर है सर? ये मेरठ रोड, हिंडन विहार में। अच्छा, हिंडन विहार जी सर। सर कौन कौन सी मशीन है और कितने प्रकार की मशीन आप बनाते हैं सर? जो लघु उद्योग की तरफ से जो भी आती है सारी मटेरियल मशीनें बनाते हैं। अच्छा, जैसे सर एग्जांपल में एक दो मशीन का नाम लीजिए। जैसे सिंगल डाई डोना पत्तल मैचिंग मशीन हो गई। अच्छा, डबल डाई डोना पत्तल मैचिंग मशीन हो गई जी, जी, जी। हाइड्रोलिक हो गई और लैमिनेशन हो गई। अच्छा जी, जी। मान लीजिए कोई बिजनेस शुरू करता हो तो उसका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, सबसे पहले मुझे बताइए। ये पेपर आता हमारा सर, ये 40 से 50 रुपए किलो, 40 से 50 रुपए किलो पेपर आता है जी। ठीक है, मान लो 12 इंची की प्लेट बना रहे हैं जी, तो हमारी निकलती है 120 पीस। अच्छा, 120 पीस निकलती जी। ठीक है, तो उसमें क्या होता है 1 रुपए की एक प्लेट जाती है। अच्छा जी, 50 रुपए का पेपर ले रहे हैं तो हमारी 120 प्लेट निकल गई जी, तो उसमें क्या हमारे 70 रुपए बच गए जी सर। अभी 70 रुपए में सर आपका बिजली का भी अलग से पैसा आता होगा, बिजली, लेबर, ट्रांसपोर्ट, ये कितना खर्चा आता होगा लगभग? सर इसमें क्या, हमारी जो एक घंटे में मुश्किल से आधा यूनिट, एक यूनिट बत्ती खाती है मशीन। अच्छा, ये घर की लाइट पे चलती है सर? ये घर की लाइट से जी सर। मतलब मैं इसको इस तरह के समझ सकते हैं कि मान लीजिए कहीं 1 kg में 120 पीस बनता है जी सर, 12 इंच की थाली है, ठीक है जी, जी। और आपका कहना है 50 रुपए kg को मिलता है जी सर, तो 70 रुपए आपने बताया कि बच गया जी। ठीक है, 70 रुपए मैं ये मान लेता हूँ कि 20 रुपए आपका लेबर खर्च, बिजली खर्च जी, जी, ट्रांसपोर्टेशन खर्च जी, ये निकाल जाएगा तो फिर भी 50 रुपए per kg आराम से बच जाता है। आराम से बच जाएगा जी। और ये जो मशीन की आपकी कैपेसिटी है वो कितना केजी एक दिन में मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती होगी? ये सिंगल डाई की है सर, वो आपके एक घंटे में 3000 पीस निकालेगी। अच्छा जी, डबल डाई जो एक घंटे में आपके 6000 पीस निकालेगी। अच्छा जी सर, तो मैं चाहूँगा सर वन बाई वन करके मशीन भी देखने की कोशिश करूँगा और भी मैं जानूंगा क्या इन्वेस्टमेंट है। प्रॉफिट तो आपने चलिए बता दिया, कहाँ से मटेरियल मिलेगा, सब क्या वारंटी गारंटी, इसकी भी जानकारी आपसे लेंगे।
उसका ही साथी वन बाई वन करके चल देखते हैं और समझते हैं। सर सबसे पहले मुझे कौन सी मशीन आप दिखा रहे हो? ये डबल डाई, ये तीन डाई में सर ये। अच्छा। आपको मैं चला के दिखाता हूँ। नहीं नहीं, तीन डाई है ये, मैं ये देख लिया, तीन डाई एक साथ निकलेगी जी। ठीक है, और ये सिंगल डाई बोलते हैं डबल डाई बोलते हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं। ये डबल डाई बोलते हैं इसे, लेकिन हमने तीन डाई कर रखी है सर। अच्छा, डबल डाई में ट्रिपल डाई बना दिए सर। बहुत अच्छा, ऐसा कौन कर सकता है सर? ऐसा तो वही कर सकता जो मशीन बनाता हूँ जी सर। तो आप क्या खुद मशीन सब बनाई जाती है? अपना खुद मैन्युफैक्चर है सारा। आप ऐसा नहीं किसी से लेके बेचते हो? नहीं नहीं सर। आज मुझे जो दिखाने वाले हैं मशीन सर, कितने प्रकार की मशीन आज अभी दिखाने वाले हैं आप मुझे? हम आपको दिखाने वाले हैं सर, इसमें फिलहाल अभी तीन तरीके की मशीन दिखाने चाह रहे हैं। अच्छा, तीन तरह की मशीन दिखाएंगे, तो सर मुझे वन बाय वन करके दिखाइए और बताइए। पहले ये दिखा देते हैं। अच्छा, ये चला के भी दिखाएंगे आप जी? क्या प्रोसेस है चलाने का, जरा इसके बारे में कुछ बताएं। मान लीजिए कोई नया आदमी है, उसको कुछ भी जानकारी नहीं है, वो कैसे मशीन चलाना सीखेगा? पहले ये आप हीटर ऑन करेंगे, चारों ये हीटर है सर। अच्छा जी, ठीक है सर जी। फिर उसके बाद ये ब्लोवर ऑन करेंगे पंखा, फिर उसके बाद आप मोटर चलाएंगे। अच्छा, ये लो, इससे आपके पीस निकल कर ऑटोमेटिक बाहर आएंगे निकल कर। मतलब इसको स्टार्ट कर दिया जाए तो फिर मैन पावर की कोई जरूरत नहीं? नहीं सर, अपने आप चलती रहेगी ऑटोमेटिक। अच्छा, ये ऑटोमेटिक मशीन है जी सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इसका क्या प्रोडक्शन बताया सर एक दिन में? इसका तो आपका बैठेंगे, आपका पोजीशन करीबन 75,000 एक दिन में जी। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। देख सकते हैं साथियों, बहुत ही आसानी से अपना। अच्छा सर, एक बात और बताइए जी सर, ये घर की लाइट से चलेगी कि अलग से कनेक्शन लेना? घर की लाइट पे चलाइए, घर पे लगती है मशीन है सर सारी। अलग से कोई कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं? कोई जरूरत नहीं। जो घर में मिक्सी चलता है, फ्रिज चलता है, कूलर चलता है, उससे चल जाएगी? बिल्कुल सर, उसी पे लगेगी। अच्छा, ये बहुत अच्छा, वेरी। ये बंद कर दो सर आप मशीन। नेक्स्ट मशीन क्या दिखा रहे हैं? नेक्स्ट ये पार्टीशन की है। अच्छा, ये पार्टीशन की मशीन जी है? सर। अच्छा, इस पार्टीशन में सर मुझे एक बार बताइए आप, कितने डाई से कितने डाई, कितने इंच से कितने इंच तक कट सकता है मशीन? इसमें तो सर आप कोई सी भी चला सकते हैं, 3 इंची से लेकर 14 इंची तक। इस आपके डबल डाई में? जी सर। अच्छा जी जी, तो सर जा देखते हैं हम लोग। अभी क्या काट के दिखाएंगे आप मुझे? इसमें एक डोना दिखा रहे हैं आपको काट के, एक आपको प्लेट दिखा रहे। अच्छा, कौन सा प्लेट दिखा रहे हैं आप? एक 8 इंची की प्लेट है, एक 6 इंची का डोना सर। अरे वाह, देखना साथियों, ओनली आपको स्टार्ट मशीन करना और बगल हो जाना है, अपने आप काम होता रहेगा। इसके लिए आपको अलग से कोई मैन पावर की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं कितना आसानी से काम। और सर जरा एक हाथ में ले लीजिए प्लेट, जरा देखा जाए क्या फिनिशिंग उनसिंग आ रहा है। ये देखिए सर, फुल। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, गुड, बहुत अच्छा। सर अब नेक्स्ट मशीन क्या दिखा रहे हो आप मुझे? आपको मैं हाइड्रोलिक दिखाऊंगा अब। अच्छा, अब हाइड्रोलिक दिखाएंगे। चलिए सर, हाइड्रोलिक मुझे दिखाइए जरा। बिल्कुल सर, आइए दिखाते हैं हम आपको। इसका क्या प्रोसेस सर हाइड्रोलिक में? ये हाइड्रोलिक क्यों नाम है इसका, इसके बारे में कुछ? पे सर तीन काम एक साथ कर सकते हैं। तीन काम एक साथ करेगी जी सर। चप्पल भी काट सकते हैं आप इस पर, डोना भी बना सकते हैं, प्लेट भी बना सकते हैं, और आप पैकिंग भी कर सकते हैं। क्या सही सुन पा रहा हूँ मैं? बिल्कुल सर। मतलब एक मशीन अनेक काम? बिल्कुल सर। मतलब ये मान लिया जाए मशीन एक काम अनेक? जी सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो सर सबसे पहले इसमें क्या दिखाएंगे आप मुझे आज? इसमें डोने बना के दिखाऊंगा, दो डाई। अच्छा सर, एक बात और बताओ मुझे, आजकल ना बफर का बहुत डिमांड है, तो इसमें तो आप कुछ भी बना सकते हैं सर। अच्छा, बफर भी कट जाएगा? सब कुछ बनाइए आप। अच्छा जी, ये इसमें ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं, मैनुअल भी चला सकते हैं। अच्छा जी सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। तो सर मैं जरा जानना चाहूंगा, एक बार मुझे काट के दिखाइए, बना के दिखाइए। बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें भी एक ही पंच करना है? जी सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इसका क्या प्रोडक्शन होगा सर? सर इसका जो पोजीशन होगा आपका, एक घंटे में आपके निकालेगी 3,000 पीस सर। अच्छा, एक घंटे में 3,000 पीस निकालेगी? बहुत। ये दोनों डाई से एक घंटे में 3,000 पीस निकलेगा कि एक डाई से? एक दो डाई से निकलेगी सर। अच्छा, दो डाई से निकलेगी जी सर। बहुत अच्छा, वेरी नाइस। इस पर आप 14 इंची चला लो, 12 इंची चला लो, 18 इंची चला लो, 3 इंची चला लो। अरे वाह, कोई भी चला सकते हो। अभी सर 18 इंची कैसे चलेगा इसमें? इसमें तो मैं देख रहा हूँ दो डाई लगा देता, अब इसके बाद कैसे बढ़ेगा इसमें? बीच में बड़ी डाई लगती है सर। अच्छा, ऐसा भी बीच में बड़ी डाई लगती है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते साथियों। अच्छा, जब आप बड़ी डाई चलाओगे तो छोटी डाई निकाल दिया जाएगा? जी सर। बहुत अच्छा, गुड, वेरी नाइस। सर जरा ये मशीन आप बंद कर दो, एक बार मैं और कुछ जानकारी लेना चाहूँगा आपसे। जी सर। इस मशीन की सर सबकी वारंटी भी कुछ देते हैं आप?
सर जी वारंटी देते हैं, पूरी देते हैं सर, मोटर फूक जाएगी उसे चेंज करके देंगे आपको, और कोई दिक्कत आती है तो वहाँ जाकर आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होएगी। ऐसा नहीं कि फ़ोन नहीं उठने का या कॉल नहीं उठने की है, आपकी सारी संतुष्टि करी जाएगी। नहीं, मोटर क्या होता है सर कि लोग लोकल लगा के देते हैं इसलिए मोटर जल जाती है, फूक जाते हैं। आप किस कंपनी का मोटर लगा के देते हैं? गोदरेज की मोटर लगा के देते हैं सर। अच्छा, गोदरेज की मोटर लगा के देते हैं। आप देख सकते हैं वो लग रही गोदरेज की। अच्छा, ये गोदरेज की मोटर लगी हुई लग रही सर। अच्छा जी, बहुत अच्छा, देख सकते हैं साथियों ये गोदरेज की मोटर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखना गोदरेज लिखा हुआ भी है। बहुत अच्छा। अच्छा, मान लो सर कोई क्रोमटम का मोटर मांगता है तो? क्रोमटम मांगते हैं तो क्रोमटम देते लगा के, लेकिन हमें जो ज़्यादा लाइफ जो गोदरेज की है सर। अच्छा, गोदरेज की ज़्यादा लाइफ। बहुत अच्छा। ये तो मशीन आपकी मोटर की बात हो, मशीन की क्या वारंटी गारंटी है? मशीन की तो कोई दिक्कत नहीं आती है, मान लो कोई दिक्कत आती है तो उसे वीडियो कॉल पे या वैसे सेट करवा देते हैं हम। अच्छा, इसमें कोई टूटने फूटने का कोई सिस्टम नहीं है सर। अच्छा जी, जी सर। बहुत अच्छा। तो सर ये तो देखो मशीन मशीन और मशीन की बात हो गई, तो सर ये तो मशीन लगा लिया लोगों ने, चलो ठीक है, बाकी मटेरियल की बड़ी दिक्कत आती है, मटेरियल कैसे अवेलेबल होगा? मटेरियल सब अपने पास मिलेगा सर। अच्छा, मटेरियल सब सब कुछ अपने पास मिलेगा। कितने रुपए से स्टार्टिंग मटेरियल सर मार्केट में या आपके यहाँ? 4500 रुपये ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी के मटेरियल, ट्रेंड का आता है, सिल्वर का आता है, गोल्डन का आता है, सब तरीके का माल मिलता है अपने पास। अच्छा, जैसा आप बनाना चाहे वैसा बना, जैसा मर्जी ले सकते हैं आप। सर मान लीजिए कोई मटेरियल और मशीन दोनों आपसे मंगवाता हो, जी सर, ठीक है, और वो दूर हो, तो कितने दिन में मशीन और मटेरियल उसको डिलीवर करा देते हैं? 3 से 4 दिन में आप मशीन पहुँच जाती है सर। अच्छा, 3 ट्रांसपोर्ट के जरिए पहुँचा देते हैं। अच्छा, 3 से 4 दिन में, जी सर। सर अभी आपने मटेरियल के लिए क्या कि 40 का है, 45 का है, 50 का है या 60 का भी है, तो कैसे हमको ये पता चलेगा कि ये 40 का है, 45 का, कैसे लोगों को लोग सर्वे कर पाएंगे, समझ पाएंगे? इसमें ये है कि सर, इसमें ये देखो आप, ये सिल्वर कलर है, ये प्रिंटेड है, ये अच्छा। गोल्डन है, ये गोल्डन है आपका, ये सिल्वर है, सबसे ज्यादा महंगा जो होता है ये वाला पेपर होता है। अच्छा, सिल्वर वाला जी। अच्छा, उसके बाद गोल्डन आ जाता है, उसके बाद ये प्रिंट आ जाता है, इसमें कोई भी कलर आ जाता है। अच्छा, ये 4500 रुपए किलो होता है। जी 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 जी। और ये आपका जो 50 होता है। अच्छा, और ये 55-60 इस तरीके से मिलता है ये। अच्छा जी, जी सर, मतलब इसी हिसाब से पैरामीटर से जैसा मटेरियल लेंगे वैसा उनको। जी सर। बहुत अच्छा। सर एक बात और बताइए, मान लीजिए आप मैन्युफैक्चरर है, आप हर महीने 10-20-25 मशीन बेच ही रहे होंगे, इससे कम नहीं बेच रहे होंगे। जी जी। तो मान लीजिए कोई साथी मेरा बिजनेस शुरू करना चाहता है, उसको क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी मशीन उसको लगाना चाहिए? इसमें यह है कि सर, इसमें आप कोई सी भी डाई चला सकते हैं आप, 3 इंची से लेकर 14 इंची तक, और दोनों तरफ बड़ी डाई चला सकते हैं। अच्छा जी सर, दोनों तरफ बड़ी डाई चला सकते हैं। जी सर। अच्छा जी, क्या प्रोडक्शन प्रोडक्शन सर इसका बताया था आपने? इसका जो बताया था मैंने आपको, 3000 पीस निकालेंगे एक घंटे में, आपके 3000 पीस एक घंटे में निकाल देंगे जी। और इसमें 4 इंची से लेकर 14 इंची तक कट जाएगा, कोई भी डाई चला सकते हैं आप, कोई भी डाई चला सकते जी। बहुत अच्छा। तो सर मेरे साथियों को कोई बिजनेस शुरू करना चाहता हो, संपर्क करना चाहता हो, कैसे संपर्क कर सकता है आपसे? स्क्रीन पे मोबाइल नंबर दिख रहा है, वहाँ संपर्क करें सर। अच्छा जी, और वहाँ से आपका टीम आपका फोन उठा लेगी और वो दिखा देगी। मान लो सर कोई वीडियो कॉलिंग पे आके आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहता हो तो क्या कर सकता है? वो आ सकता है सर, बाकी वीडियो कॉल पे देखने चाहे वीडियो कॉल पे देख सकता है। क्या होता है सर कि ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर में कैसे अंतर होगा कि आप बना रहे हो, तो मान लीजिए कोई खुद आके देखना चाहता हो तो आ सकता है फैक्ट्री? बिल्कुल, बेधड़क होकर बिल्कुल आइए, देखिए, तसल्ली करिए, उसके बाद लीजिए आप, आ सकता है कोई? बिल्कुल। देखना चाहती हूँ, कोशिश किया हूँ कि आपको सीधे मैन्युफैक्चर से हम बिजनेस दिखा पाऊँ, मशीन बता पाऊँ कि आप अपना बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। और सर का कहना है, सर का दावा है कि आप सीधे मैन्युफैक्चर से जोड़ सकते हैं और अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। जब आप आएंगे यहाँ तो आपको खुद ही लगेगा कि मैन्युफैक्चर और ट्रेडर्स में क्या अंतर है। और सर ये मैन्युफैक्चर खुद बनाते हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस सर आपको मशीन? सर हमारा जो है 13 साल से चल रहा काम। अच्छा, 13 साल से काम? जी सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद कि एक बेहतर बिजनेस आइडिया मेरे साथियों को बताने के लिए, दिखाने के लिए, थैंक यू, धन्यवाद।